नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की कल शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। महंत नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज में बागम्बरी मठ के एक कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। जी हाँ, महंत नरेंद्र गिरी का संबंध निरंजनी अखाड़े से था। पुलिस का कहना है कि शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें एक तरह का वसीयतनामा लिखा था। पुलिस ने यह भी कहा कि महंत नरेंद्र गिरी अपने एक शिष्य से परेशान थे। पुलिस ने इस केस में उनके एक शिष्य आनंद गिरी को उत्तराखंड के हरिद्वार से हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि जब नरेंद्र गिरी के निधन की खबर आई, तब सबसे पहले आनंद गिरी ने ही शक जताया था कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या हुई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम लिखा था, इसी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भारत में संतों के 13 अखाड़ों का एक संगठन है, जिसमें वो निर्मोही अखाड़ा भी शामिल है जिसकी राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका रही है। नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, इसलिए उनके निधन की असली वजह हर कोई जानना चाहता है। नरेंद्र गिरी के जिस शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाया था कि आनंद गिरी ने संन्यास तो लिया, लेकिन अपने परिवार से अपने संबंधों को समाप्त नहीं किया, जो अखाड़ा परंपरा का उल्लंघन है। वहीं आनंद गिरी ने अपने गुरु पर अखाड़ा परिषद की जमीन की सौदेबाजी का आरोप लगाया था। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को अखाड़े से निकाल दिया था। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।